जी सलामकुम रफिया खाला। जी जी मैंने ही आपको फोन किया था, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये औरत मुझ पर जादू करवा रही है। हाँ, मैं रात भर सो नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है मेरा पलंग कोई हवा में उछाल रहा है। हाँ जानती हूँ मैं, वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊं और वो इस घर पे कब्जा जमा कर बैठ जाए। रफिया खाला आप पर कसम है, अगर मैं मर जाऊं तो आप इस इशरत के नाम का पर्चा जरूर कटवाइएगा और मेरे मासूम भाई का ख्याल रखिएगा। याद है वली रईस पर भी इसी ने जादू करवाया था, अच्छा खासा मेरा भाई था ना, ये उल्टे सीधे वजीफे पढ़ती, ना किताबों से भरा शेल्फ मेरे भाई के सर पे गिरता, ना उसका दिमाग उलटता। बस ये याद रखिएगा कि पर्चा कटाने में ताखीर मत। वली रईस, वली रईस, क्या है रुबनापी? वली रईस जल्दी आओ, वली रईस, वली रईस जल्दी आओ, वली रईस। अरे वाह बकरी की सिरी, खुदा ने मेरी सुन ली, बहुत दिन से दिल चाह रहा था कि मैं मगज खाऊं, मगर ये क्या लुबना आपी ऐसे क्यों लेकर आ गई? तुम्हें आज तक सामान खरीदना नहीं आया, पुअर की पुअर ही रहना। अरे हाथ मत लगाना, वो जादू करवा रही है हमारे ऊपर, हाथ मत लगाना। तुझे पागलखाने में जमा करवा कर इस घर पे कब्जा करके इस घर को डिस्को क्लब बनवाना चाहती है। हाँ समझ गई, हाँ समझ गई मैं, कि मुझसे कहती थी कि दिल चाहता है ये सारे फानूस निकलवा के, लाइटें निकलवा के, वो रंग बिरंगी डिस्को वाली लाइटें लगवा दे पूरे घर में। आज बकरे की सीरी लेकर आई है, कल ना जाने क्या क्या लेकर आएगी। कौन औरत, पूरी बात तो बताओ। पीछे कोई खड़ा। कौन है? कोई भी तो नहीं है। लुबना आपी, जो रात में तुम उठ के भारी भारी खाने खाती हो उससे एसिडिटी होती है और एसिडिटी से बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। ये ख्वाब है, ये ख्वाब है, बताओ। अरे ये औरत मुझे मारकर इस घर पे कब्जा करना चाहती है। अरे वकील साहब को फोन कर, ज्यादा पैसे लेते तो ज्यादा पैसे दे, पर इसको निकलवा यहाँ से, निकलवा इसको यहाँ से। ये मुझे मरवा कर पागल खाने में जमा करवा कर मेरे इस पाक साफ घर को गुनाहों का अड्डा बनवाएगी। कौन किसकी बात कर रही हो इशरत बाजी की? अरे क्यों बेचारी पे शक करती हो, अपने पोर्शन में सुकून से रह रही है, तुम भी सुकून से रहो। और मैं जरा सी प्लेट क्या खिला दी कि तू सब भूल गया? तू इतना लालची है, तौबा, ये तो मुझे पता था कि तू लालची है, पर इस हद तक लालची होगा नदीदे मुझे ये नहीं पता था। अच्छा है तुझे लात मार के वो इस घर से बाहर निकाल दे, फिर आकर मेरी कब्र पे बैठ के रोएगा, लुबना आपी बहुत गलती हो गई, तेरी बात नहीं सुनी मैंने। उस वक्त लुबना आपी बात करने के काबिल नहीं होगी, वो तो जा चुकी होगी। इशरत तू अच्छा नहीं कर रही, अल्लाह पूछेगा तुझे। अच्छा लुबना आपी ये बताओ कि सिरी के साथ चावल बॉयल कर दूं या फुलके खाओगी? सिरी तो काफी बड़ी है, मगज बड़ा अच्छा निकलेगा। पराठे, पराठे डाल देना, और देखना पहले की तरह सूखा सूखा सालन मत बनाना, समझे? वो मगज में तरी अच्छी लगती है, और भर भर के उसमें इसलिए घी डालना है। अच्छा ऐसा करता हूँ, एक बड़ी बाल्टी घी इसमें डाल दूँ। हाँ फरमाइश। इशरत, इशरत तू ये बहुत बुरा कर रही है, अल्लाह पूछेगा तुझे। रब्बुल इज्जत मेरी माँ का दिल पिघला दे,
मेरी माँ का दिल मोम कर दे। मैं काशिफ के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती और अब मैं इस घर में भी नहीं रह सकती। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, मुझे इस घर से भी निजात दिला दे। ऐ रब, मुझे इस घर से भी निजात दिला दे, वरना अगर मैं नफ्सियाती लोगों में रही तो कहीं मैं भी इनकी तरह नफ्सियाती ना हो जाऊँ। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, मेरी फरियाद रद्द ना करना। ऐ अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा दे। स्किन कितनी ड्राई हो रही तुम्हारी। ये जो मास्क है ना, ये बहुत अच्छा मास्क है मेरे पास है। ये ना रोज रात को ना सोने से पहले लगा लिया कर, 2 महीने में ऐसा वाजे फर्क आएगा ना, मुझे दुआएं देगी तू। ये जो स्किन के छोटे छोटे काले दाग है, तो क्या ये भी खत्म हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए ना अलहदा क्रीम आती है। ये इस दफा लेकर जाऊंगी इशरदबाजी। वो असल में ना बेटियों के बाद मैंने अपना ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मियाँ भी बहुत गुस्सा करते हैं मुझ पर, कहते हैं गजाला जब तुम शादी कर आई थी तो कितनी प्यारी स्किन थी तुम्हारी, और अब तुमने अब तक क्या हाल कर लिया। तुम लोग ना बहुत अजीब हो, ये बच्चों की लाइन लगाने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? वैसे क्या इरादा है, और कितने बच्चे पैदा करोगी तुम? दुआ करे शर्दाजी, अल्लाह इस बार लड़का हो जाए। आपको पता है शर्दाजी, मेरी सास ना बहुत पढ़ने लिखने वाली है, वो कह रही थी कि इस बार बेटी होगी और इसके बाद देखो। बस शर्दाजी, अल्लाह पाक से दुआ कर दे चांद सा बेटा हो जाए इस बार। अरे बहन, रहने दे, थोड़ा सोच समझ के। पहले 6 बेटियां हैं तेरी, हाँ, अब मुझे देख लो, एक ही बेटी है मेरी। मैंने तो कभी दूसरी औलाद पैदा नहीं की इस लालच में के बेटा होगा। ये देख, अल्लाह की देन है, वो जो भी दे। इशरत बाजी, आप तो बता रही थी कि आपकी बेटी की पैदाइश के 4 महीने बाद आपके शौहर अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए थे, तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा करते हो? तो मैं अगर दूसरी शादी करना चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी? लेकिन मुझे ना ये बच्चों की लाइन लगाने का कोई शौक नहीं है। तुम भी ना अपना थोड़ा ख्याल रखा करो, 2 साल बाद मियाँ से बड़ी लगने लगोगी, फिर मुझे ना कहना कि जुहेब किसी और औरत के चक्कर में लग गए हैं। अल्लाह ना करे शर्दबाजी। हाँ देखो, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, इसीलिए कहती हूँ अपना भी ख्याल रखा कर। पिछली दफा क्रीमें भी नहीं लेके गई थी, ये कह के बहुत महंगी, हालांकि इतनी महंगी नहीं थी। नहीं नहीं, इस बार तो मैं जरूर लेकर जाऊंगी। अच्छा वैसे ये काले दाग वाली क्रीम लगाते कैसे? ये ना, ये यूं यूं उंगलियों में ना, उंगलियों पे लाल हल्के हल्के मसाज। आ रही हूँ। अरे ईश्वरबाजी, बस ये दोनों क्रीमें ना आप पैक कर दें। हाँ, दोनों क्रीमें लेके जा, ठीक है? हाँ अच्छा सुन, यहीं बैठे रहे, तेरा मास्क भी ड्राई हो जाएगा। और बस ये है ना, ये चीज़ें हैं ना महंगी हैं, ठीक है ना? तो ख्याल रखना। वैसे कैमरा लगाया मैंने। क्या मतलब है ईश्वरबाजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई मैं चोर की बच्ची हूँ क्या? बोल मत। हाँ देख, झुरियाँ आ जाएंगी, फिर मुझे मत कहना, ठीक है? मैं भी आई, बस तू बैठ। आ रही हूँ। इशरत, क्या है, क्या काम है, क्या बोलना है आपने? वो क्लाइंट वहां बैठी हुई, अकेले काम छोड़ के आई हूं मैं। कितनी बार मुबशर से कहा था कि इस औरत का चाल चलन ठीक नहीं लगता मुझे, ऐसी औरतें होती हैं शादी के लिए, इसे तलाक दो, मगर नहीं। है ऐसे कैसे तलाक दे दे, तलाक देने की हिम्मत होती तो तलाक देता ना। मैं तो उठते बैठते अपनी माँ का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना, बस कम है। वो तो मेरी माँ बड़ी सियाणी थी ना, कि हक महर में ये शर्त लिख के गई कि अगर खुदा ना खासा तलाक होगी ना, तो घर का आधा हिस्सा मेरी बेटी का होगा। अब तो आप कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप यहाँ सुकून से रहें और मुझे वहां सुकून से रहने दें। हाँ तो जब शराबें पिला कर फरमाइशें की जाएंगी तो कौन मर्द पूरी नहीं करेगा? बशीर ने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, मगर जब से तू फितना उसकी जिंदगी में आई है, वो सारी बुरी चीजों से करीब और अच्छी चीजों से दूर होता चला गया। मैं तो नहीं गई थी आपके शौहर के पास, हाँ? ना आप झगड़ा करती, ना वो घर छोड़ के जाते, ना उनको प्यास लगती, ना मेरे घर का दरवाजा खटखटाते। हाय, मुझे तो अभी तक याद है, जब मैं पानी का ग्लास उनके लिए लेके आई थी ना, तो बहुत देर तक मेरी आंखों में झांकते रहे। मैंने कहा, सुनिए पानी तो पी लीजिए। कहने लगे कि अशु,
तुम्हारी आंखें ना समंदर है, मुझे समंदर में ना तैरने दो। अरे वो तो बहक गया, उसे क्या पता। ये भी तो बता, तेरी माँ पीछे खड़ी हुई थी पेटीकोट और ब्लाउज पहने हुए और चर्च के सूटों पे सूटे लगाई चली जा रही थी। वो ही धुआं चढ़ गया उसको, बस क्या हुआ, दिल दिमाग सब फेल हो गया। तूने और तेरी बदजात माँ ने उसी बात का फायदा उठाया और दो दिन के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड से निकाह कर लिया। बकौल है उनके, मोहब्बत हो गई थी उनको मुझसे पहली नजर में, दिल दे बैठे थे, मैं क्या करती। अरे वो तो अंधा था, मैं तो कितनी बार कहती थी मोहब्बत करीब का चश्मा लगा लो, तुम्हारी करीब की नजर खराब है, पर सुनता ही नहीं था। तंग थे आपसे, बहुत तंग थे आपसे, कहते थे इशु काश ये लुबना ना तुम जैसी सुलझी हुई होती, हर वक्त लड़ती रहती है, हर वक्त पता नहीं इसे क्या मजा आता है। तुम्हें पाके तो लगता है कि जैसे दो जहां पा लिए मैंने। हाय अल्लाह, वैसे वो बशर बहुत जल्दी चले गए ना। अच्छा बताएं किस काम से बुलाया मुझे। हाँ क्लाइंट बैठी है मेरी वहां पे, पता भी है ना मैं इस वक्त काम करती हूँ। जादू टोना कराना छोड़ दे इशरत, जहन्नुम की आग में जलेगी। कराऊंगी तो जलूंगी ना, अल्लाह का शुक्र है ये सब काम मैं नहीं करती। मुझे करना होता ना ये सब 20 साल पहले कर चुकी होती, इतनी देर इंतजार ना करती। अपने ना इस दिमाग का इलाज कराएं आप, हर वक्त दूसरों में ऐब ढूंढना छोड़ दें आप। पता है दूसरों पे गलत इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। हाँ झूठा इल्जाम लगाना गुनाह है, और किसी के पाक साफ घर को गुनाहों का अड्डा बनाना ये बहुत सवाब का काम है भाई। अरे तू लाख सर से सीना पटक ले मगर तू अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। और याद रखना आज के दिन ये बात मिसेज लुबना मुबशिर ने कही है। होगी बात, जाओ अब। बकरे की सिरी कहां से लाई थी बोल, अब क्यों सांप सूंघ गया। एम्प्रेस मार्केट से। जल्दी आओ। क्या है लुबना आपी, मगज तैयार है, बस पराठे डालने जा रहा हूं। मैंने कहा था ना तुझसे, यही वो बदजात है जो मुझ पर और तुझ पर जादू करवा रही है। ये क्या बोल रही है आप, हाँ होश में है आप। पश्तो नहीं बोल रही जो समझ में ना आए, पूछ वाली रईस से क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है, क्यों मुझ पर जादू करवा रही है ये। हटा अपने मोटे मुंह से ये किताब, पूछ इससे क्यों की जादू चोरी करवा रही है मुझसे, पूछ। मैं जा रही हूँ, वो मेरी क्लाइंट बैठी है, पता नहीं क्या सोचेगी। अरे रुक, पकड़ इसको। यहाँ पे बकरे की सिरी पड़ी हुई थी, तूने रखी थी ना, ताकि मैं मर जाऊं और तू इस घर को डिस्को क्लब बना के खूब अयाशी करे अपनी माँ के साथ। यहाँ बकरे की सिरी, हाँ वो शॉपर से गिर गई होगी, वो तो मैं सदके के लिए लाई थी ना, पता नहीं यहाँ कैसे गिर गई। हाँ, जब चोर पकड़े जाते हैं तो इसी तरह से बहाने करते हैं। रातों को मुझे नींद नहीं आती, मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है मेरा पलंग कोई जोर जोर से हिला रहा है। बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं आओ आओ हम तुम्हें लेने आए, इस घर में जिनों का बसेरा लगता है मुझे। वैसे आप गलत नहीं कह रही, कल रात को जब मैं सो रही थी ना तो अचानक से मेरे कमरे की खिड़की खुल गई, फिर बंद हो गई, फिर कमरे में इत्र की खुशबू हर जगह समा गई। आपकी खिड़की कहाँ खुलती है? मस्जिद की तरफ। वहां से आता जाता कौन? नमाजी। अरे ये तो खिड़की भी इसीलिए खोल के रखती है कि आते जाते नमाजियों को देख सके। मैंने खुद सुना था, अपनी माँ से फोन पे लगी हुई थी, कह रही थी माँ तुम यहाँ आओ, इतने प्यारे प्यारे नमाजी आजकल आ रहे, हम देखेंगे मिलके, बड़ा मजा आएगा। लुबना जबान संभाल के बात करिए, मैं इन चीजें में नहीं हूँ, कसम खा के कहती हूँ कि मैं मेरे कमरे में वाकई कोई कुछ है। अक्सर ना वो बच्चों की हंसने और खेलने की आवाजें आती हैं। एक मिनट, तुम्हें क्या हो गया? अच्छा हो गई बात ना, जो इल्जाम लगाने थे लगा लिए ना, अब मैं जा रही हूँ। मैं तेरे मुंह लगना ही नहीं चाहती। इस घर में जन्नत का साया है, आसीब सदा है ये घर। कल शाम जब मैं छत पे गया तो मुझे यूं लगा जैसे
आठ दस नटखट लड़कियां छोटी छोटी स्कर्ट्स के अंदर पहलदूज खेल रही हूं, मगर उनमें से पांच लड़कियां मेरी तरफ भागती भी आई और आवाज आवाज और करीब से करीब धर होती गई। ग्रैनी 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 लुबनापी, इट्स अ हॉन्टेड हाउस। वली रईस, फिर अब क्या करें बताना, तो अब क्या करें वली रईस बताना। हाँ बताओ क्या करें हम। मैं भी तो वही पूछ रही हूँ, सेम टू सेम। किसी मौलवी साहब को बुलाना पड़ेगा। ये घर तो बहुत भारी है और उससे ज्यादा इस घर की मकीन। मौलवी साहब, मैं तो ना नमाजों रोजों खैरात इन सब में ना पेश रहती हूँ। जी दिख रहा है। अल्लाह का शुक्र है हम दूसरों की तरह ढिंढोरा नहीं पीटते। मौलवी साहब, अंकिल, मेरा मतलब है मौलवी कयामत साहब, इस मसले का हल क्या है? मेरा मतलब है ये बताइए कि इसका हल क्या है। मैं तो रात भर सो नहीं सकती, मुझे रात भर कोई तंग करता रहता है मुसलसल। मुबशर की रूह तंग करती होगी मौलवी साहब, उनकी जिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ी उनको तंग करने की इन्होंने। अरे मेरी छोड़ो अपनी, बताओ। बताऊंगी बताऊंगी, क्या करें मौलवी साहब, आप बहुत पहुंचे हुए, आप ही कुछ कीजिए, मैं तो बहुत डर गई हूँ। यहाँ कितने लोग रहते हैं और क्या क्या करते हैं? मैं बताती हूँ मौलवी साहब। मुझसे पूछ रहे हैं ना, तुम क्यों बोलती हो हर वक्त बीच में? ये आपकी बेटी है। है? नहीं नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। क्या? नहीं नहीं अंकल, मेरा मतलब मैं तो बेवा हूँ और औलाद भी कोई नहीं है। दुनिया भर के सारे टेस्ट करवा लिए मैंने, हालांकि मैं मलीर 15 सोल्जर बाजार और वो अपनी औरंगी ढाई हर जगह गई, हर बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा आप में कोई खराबी नहीं है, फॉल्ट है ही नहीं आपके अंदर। बंदेश, और आप? ये मेरी सौतन है, मुझसे बात कर रहे हैं ना, करने दे मुझे बात। असल में मौलवी साहब, ये मेरे शोहर की पहली बीवी है, मैं दूसरी बीवी हूँ। जाहिर है मैं पहली होंगी तो तुम दूसरी होगी, जाहिल। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़की है इनकी, कोई काम काज नहीं करती, सारा सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है, मोहल्ले में किसी से चक्कर भी है। चक्कर? वेरी गुड वेरी गुड। गुड क्यों कह रहे हैं इस पे? सब बताएंगे, सब बता देंगे, हौसला रखिए। ठीक है। तो दूसरी औलाद नहीं हुई आप? वो दरअसल मेरे शोहर ना मुबशर साहब, वो कहते थे बस एक औलाद बहुत है, वो फिगर खराब हो जाता ना मेरा, वरना इसीलिए दूसरी औलाद पैदा नहीं की। आई है कभी तो सच बोल दिया करो। दरअसल मौलवी साहब, काफी एज में शादी हुई थी इसकी, पहला बच्चा भी बहुत ही मुश्किल से हुआ था, दूसरा कहाँ से होगा, मेरी तो खैर 19 बरस में हो गई थी, लेकिन फिर भी माँ ने बन सकी। और कौन रहता है इस घर में, मैं मतलब कोई मर्द? भाई है मेरा एक, वैसे तो बहुत अच्छा है, हर काम में माहिर, मगर कभी कभी बहकी बहकी बातें करने लगता है, उस पर भी जादू करवाया गया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने कराया। खुश? हमने तो कुछ कहा ही नहीं भाई ऐसा। भाई को बुलाए, अपने भाई को बुलाए। वली रईस। जी आप क्या करते हैं भाई? क्यों भाई, आपको इससे क्या, मैंने आपसे पूछा आप क्या करते हैं? रीडिंग भी नहीं करने देते। नो बैड, वेरी बैड मौलवी साहब, नो बदतमीजी। जॉन मसी है? नहीं, जॉन मसी तो मेरी छोटी बहन परवीन के हाँ झाड़ू पोछे का काम करता है, इसका नाम तो वली रईस है। क्रिश्चियन रू है इसके अंदर, क्रिश्चियन रू। क्रिश्चियन रू, अब मैं जाऊं? यस यू मे गो जॉन, यू मे गो। ए मौली साहब बताए मेरा क्या होगा, मेरे ऊपर भी क्या कोई क्रिश्चियन की रू है, मैं तो भाई बहुत नमाजें पढ़ती रहती हूँ। मौली साहब,
क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, ऊपर क्यों देख रहे हैं? छत पुरानी हो गई है ना, कितना समझाया इन्हें, कितना समझाया इन्हें कि नई छत बनवा लें, लेकिन इनकी तो वही मिसाल है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अकेले रहना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी कमर कितनी है जी? तुमसे पूछ रहे हैं, लेकिन देख आपकी तरफ रहे हैं। आपकी कितनी है? मेरी मौसी साहब पहले तो बहुत कम थी। अरे अब की बताना जाहिल। ये कोई 30 के करीब होगी अभी। मैं कसम खा के कहती हूँ 40 से क्या कम होगी। मैं इंची टेप लेकर आती हूँ। अरे टेप तो हमारे पास है। हाँ? ये घूमते हैं, यहाँ आके बैठी, यहाँ आके बैठी, इसको जरा नापिए नापिए। मैं हाँ प्लीज। तो जरा और साहब देखे ना, 40 होगी, 40 होगी पूरी। 26। हाँ तो जब चर्बियां निकलवाई जाएंगी तो यही होगा 26। इनकी भी नापे मौलवी साहब, इनकी भी नापे। इनकी भी नापे। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे वो भी पी लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, आप बैठिए। ये कब से आप लोग अकेले रह रहे हैं दोनों? एक अरसा हो गया मौलवी साहब, अब तो बिस्तर पे तकिया भी एक ही रखने लगी, कोई उम्मीद नहीं है, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए मैंने। क्या आपके कमरे में भी एक ही तकिया है? नहीं मौलवी साहब, मैं दो तकियों के साथ सोती हूँ, एक सर के नीचे और एक पैरों के नीचे। एक तकिए के साथ नींद नहीं आती। और आपको? मुश्किल तो बहुत होती है मौलवी साहब, पर करवटें बदल बदल के सुबह हो ही जाती है। क्या सोच रहे हैं मौलवी कयामत साहब? एक तकिया बिस्तर पे आप आओ रख ले। समझी नहीं। देखिए शादी करना बहुत जरूरी है आप दोनों के लिए, वरना जिन इस घर पे कब्जा करते जाएंगे और उसका नतीजा ठीक नहीं, इसलिए वाहिद हल शादी है। शादी मौली साहब, शादी के लिए कोई खास एज ग्रुप है? आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात के बाद एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कितने एज ग्रुप में आप फिक्स हो सकते हैं। आपका कोई सवाल? बस 50 सही है, 50 से अबव ना हो। हाँ अच्छा, क्या दुबई में? हाँ कितने बच्चे हैं? हाँ अच्छा ठीक है, मैं आपसे फिर बात करूंगी, अल्लाह हाफिज। लुबना आपी, तुमने तो कहा था कि माँ बनके सारी जिंदगी अपने सीने से लगा के रखोगी, फिर ये तब्दीली क्यों आ गई? वली रईस, मैं कभी माँ थी ही नहीं। बताया तो है मौलवी कयामत कह के गए शादी कर ले, हालांकि तुम्हारे दूल्हा भाई के मरने के बाद मैंने कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। यानी कि आप देखोगी, यही कहना चाह रही हो ना? देखो मौलवी साहब ने सख्ती से कहा है कि शादी बहुत जरूरी है, वरना इस घर पे जिनों का कब्जा हो जाएगा। खुद देखो कैसे अजीब अजीब वाकयात इस घर में रूनुमा हो रहे हैं, कल को कुछ बहुत बुरा हो जाए इससे पहले मौलवी साहब की बात मान लेनी चाहिए। तो ये बोलो ना कि तुम्हें रोशनी की किरण नजर आ रही है। नहीं अभी कोई फैसला नहीं किया मैंने, बस गौर कर रही हूँ अभी। वली रईस, अगर मैंने शादी कर भी ली ना तो तुमसे अलग थोड़ी रहूंगी, हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगी। वो मौलवी जाली है। अच्छा पहले तो तुम कह रहे थे कि बहुत पहुंचे हुए। ये वो मौलवी नहीं है, ये वो जाली मौलवी है, वो वाले शहर से बाहर गए। जल्दबाजी मत करो, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। इस उम्र में जो भी मिलेगा लालची मिलेगा। एक अमीर बेवा को देख के लोग उससे शादी नहीं करते, उसकी जायदाद और दौलत से शादी करते। और सोचो अगर शादी के बाद उसने बंदूक की नोक पे रख के तुमसे ये मकान अपने नाम करवा लिया, धक्के देके बाहर निकाल दिया, तो कहां जाओगी? कभी सोचा है तुमने? लेकिन वली रईस, मैं ऐसे तो शादी नहीं करूंगी, पहले अच्छी तरह छान पटक करूंगी, फिर शादी करूंगी, फिर हाँ करूंगी। तू फिक्र मत कर, मैं किसी ऐसे वैसे शादी नहीं करूंगी। यानी करोगी जरूर? अरे तो तेरे कलेजे में क्यों आग लग रही है? मैं
मैं बेवा हूँ, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, अगर शादी करनी पड़ भी गई तो तुझे क्या इससे? मैंने कोई ठेका ले रखा है तेरा? मुझे किसी चीज से मत रोकना, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। लुबना आपी, कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी की रट मत लगाया करो। याद है ना कुछ अरसा पहले औरतों ने कितनी बेहुदा बातें देख के रैली निकाली थी? क्या हुआ था? अल्लाह का अजाब आया था उनके ऊपर। जब तक तू जैसे लोग हैं ना इस दुनिया में, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और तुझे क्यों आग लग रही है मेरी शादी से? इतनी है, सारी जिंदगी तुझे संभालने में गुजार दूं? अपनी जिंदगी ना जीऊं, ऐसे ही मर जाऊं? याद है दूल्हा भाई के मरने पे तुमने क्या कहा था? क्या कहती थी? कि मैं बेवा हो गई हूं? ये नहीं कहा था, कुछ और कहा था। क्या? कि मैयत वाले दिन उनके दोस्त मुझसे नंबर मांग रहे थे और कह रहे थे कि आप फिक्र मत कीजिए, आप अकेली नहीं, हम सब आपके साथ हैं। अरे नहीं भाई, तो फूट भी ना। तुमने कहा था फरीद रईस, अब मैं बेवा हो गई हूं, अब हम दोनों बहन भाई सारी जिंदगी साथ रहेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और दूल्हा भाई के मरने के अगले दिन तुम शाम देर तक सो के उठी थी, और उठते तुमने क्या कहा था? वली रईस, हालांकि मुझे उनके मरने का दुख जरूर है, पर पता नहीं कि मुझे हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। ना सुबह सुबह किसी ने चाय बनाने के लिए उठाया, ना किसी ने पूछा कि देर तक क्यों सो रही हो, उठी क्यों नहीं, उठ भी जा, याद भी है कि भूल गई? और ठीक है, एक माँ बाप तो मुझे कोमरी ले गई थी, और यहाँ लोगों को बताया था कि दादा दरबार जा रही। हाय 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 हाय, वैसे तेरी मेमोरी बहुत तेज है, सब याद है ना तुझे? हाय कितना मजा आया था ना, तू कितना डरा था चेयर लिफ्ट में बैठने से। और हमारे चेयर लिफ्ट से सामने आती हुई चेयर लिफ्ट पे सायमा बैठी थी, और देखते ही देखते हम दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया, और उसने बहाने से अपना फोन नंबर जोर जोर से चीख चीख के बताना शुरू कर दिया ताकि मैं नोट कर लूं, और लोग ये समझे शायद वो गिनती गिन रही। अहे, इतनी अच्छी बातें करते करते तू भी क्या टॉपिक ले आया? तो तुमने मेरी शादी क्यों नहीं की? क्या बुराई थी उसमें? सबसे बड़ी बुराई तो ये थी कि वो आवारा थी। अरे कोई नेक सीधी सादी लड़की होती तो शायद मैं सोच भी लेती, मगर ऐसी लड़की जो चेयर लिफ्ट में बैठ के चीख चीख के लड़कों को नंबर दे, सोच कितनी आवारा होगी वो। अच्छा चल छोड़ ना, जो बीत गया सो बीत गया, आज की बात कर, साइमा से ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी तुझे शादी के लिए। एक बात बताऊं लुबना आपी, मेरे जीते जी तुम भी शादी नहीं कर सकते। क्या रखा है शादी में? दोनों बहन भाई खूब मिलके एंजॉय करेंगे, तुमने यही सिखाया था ना मुझे। मगर मौलवी कयामत जो बोल के गए हैं, वो एक नंबर का जाली मौलवी है, अगर मुझे दोबारा नजर आया तो टांगे तोड़ दूंगा उसकी। और जो मैंने दूसरे तकिए के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, वो सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। हेलो, ओ हाँ जी जी जी, मैं ठीक हूँ। हाँ पिक्स मिल गई आपको? थैंक यू, मैं ना ऐसी ऐसी बस ले रही थी, मैं ऐसी सेंड कर दी। अच्छा सुनिए, आपकी हाइट क्या है? ओह जबरदस्त, मुझे ना लंबे आदमी बहुत पसंद हैं। और एज? 42। मैं 31 की अभी होंगी, अभी अभी होंगी मैं। अच्छा ये बताएं वेस्ट कितनी है? वेस्ट ओहो थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा ख्याल करें ना आप। और चेस्ट जबरदस्त नहीं? अरे नहीं नहीं, कपड़े क्यों सुनाऊंगी मैं तो ऐसे ही, बाय द वे डिटेल ले रही थी। हाँ कल शाम को? हाँ हाँ ठीक है, हाइट ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। डेट पे जाने की तैयारी हो रही है? देख बबली, तमीज से बात कर, मैं तो बस तेरा ही सोचती हूँ ना। मेरा? मेरे बारे में क्या सोच रही? देख तेरे अब्बा के मरने के बाद तुझे बहुत कमी महसूस होती है ना उनकी, होती है ना, तो मैं तेरे लिए तो डेडी ढूंढ रही हूँ, बहुत जल्दी तेरी कमी पूरी हो जाएगी बबली।
ये कहो ना कि अकेले रह रह के तन्हाई काटने लगी है। देख बबली, माओ मैं तेरी हैं, तमीज से बात किया कर। तेरा ही भला सोच रही हूँ मैं बबली। मेरा भला सोच रही हो ना तो जाओ जाकर काशिफ की माँ से बात करो। मेरी शादी के वक्त तो 10 बहाने याद आ गए, अपनी शादी के वक्त तो बहुत तेजी दिखा रही हो। देख बबली, तू काशिफ के अलावा ना किसी लड़के पे भी हाथ रख ले, किसी पे भी हाथ रख ले, मैं उसी वक्त चली जाऊंगी उसे बात करने। लेकिन इस मनहूस काशिफ, इसे मैं कभी भी बात नहीं करने वाली। लफा कर इसे, पागल। क्या बुराई है काशिफ में? अच्छाई क्या है बबली, तुझ पे इतना बुरा वक्त आया हुआ है? हाँ देख बबली, तू उसकी माँ को नहीं जानती, उसकी माँ को मैं जानती हूँ। जाहिल औरत, पता है ना अपने पहले बेटे की भी तलाक करा दी उसने। देख बबली, तेरे बाप ने तुझे इस दिन के लिए थोड़ी पढ़ाया लिखाया था ना, कि तू जाके उस पसमानदा घराने में जाके झाड़ू पोंछा लगाए। अरे को बहू नहीं चाहिए, उनको ना नौकरानी चाहिए, नौकरानी। अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बनता मम्मी, अपना ही घर समझूंगी। और वैसे भी इस घर के सारे लोग तो हर वक्त तलवार लिए सर पे खड़े रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस घर के सब लोगों को अपना बना लूंगी। और तुम जाओ जाके काशिफ की माँ से बात करो। मैं कभी नहीं मिलने वाली उस जाहिल औरत से, पता है ना, तुझ पे भी 100 कर लेके आ जाएगी। बर्दाश्त कर सकेगी तू? कर लेगी तू बर्दाश्त बबली? देख बबली, मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ पागल हो गई तू क्या? क्या हो गया तुझे? बस मैंने कह दिया ना सो कह दिया, अगर कल तक तुम काशिफ से मिलने नहीं गई तो फिर तुम भी देख लेना। धमकी दे रही है? क्या करेगी तू, क्या करेगी? भाग जाऊंगी। है वली रईस आड़े आ गया है। हाँ अरे बबली तो बहुत खुश है मेरी शादी से, लेकिन आपको शायद अपनी बाकी की सारी जिंदगी ना इस एक मनहूस तकिए के साथ गुजारनी पड़ेगी। इसको तो फेंक दूं। बड़ी टेढ़ी औरत हूं मैं, एक बार जो दिल में ठान ली सो ठान ली। हार तो मैं भी नहीं मानू। जाओ बबली। देखो इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इस वक्त यहां से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। तुम भी कहीं उसी बात की वजह से तो परेशान ही हो जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि तुम किस बात पे सारी रात नहीं सो पाए, लेकिन अभी इस वक्त तुम यहां से चले जाओ। मैं इस वक्त कोई प्लानिंग कर रही हूँ, मेरे जीते जी मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इतना भी कोई सेल्फिश होता है? यकीन नहीं आ रहा। बबली तुम परेशान मत हुआ करो, जब तुम परेशान होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। साइमा के बाद तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकता। मौलवी को तुमने बुलाया था ना? किस मौलवी को? मौलवी कयामत को? मैं नहीं लाया मौलवी कयामत को, जिसको मैं लाना चाहता था वो तो शहर से बाहर था। वो तो लुबनापी ने किसी का नेट से नंबर लिया और उसको बुला लिया। खैर मुझे भी वो पसंद नहीं आया, उसकी आंखों में इतनी बेहूदगी थी जिसको सिर्फ मुझ जैसा लड़का ही महसूस कर सकता था। मैं तो लुबनापी को साफ साफ कह दिया, जब मैं शादी करना चाहता था सायमा से तब तो कहती थी शादी में रखा क्या है, मेरी तो भरी जवानी बर्बाद कर दी उन्होंने। बड़ी कस्में खाती थी कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। सही कहती हूँ, ये दुनिया है ही मतलब ही, हर रिश्ता दो नंबर हो गया। हाय मेरे भैया यहाँ खड़ा है। चलो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, आओ ना। ए माँ ने सलाम करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हें? नहीं। ए देखो लच्छन इनके, मैं ही बेवकूफ थी, मैं ही ना समझती, मैं ना समझी इसे। किस बारे में? इशरत के बारे में और किसके बारे में? मुझे तो साफ लगा कि मौलवी कयामत को इसने मजबूर किया था, वरना उनका इशारा तो मेरी तरफ था। ऐसे मैंने आज फेसबुक पे ना साइमा नाम की कई लड़कियों को
सर्च किया, मिली नहीं कोई। वैसे वली रईस, वो पूरा नाम क्या था उस दो नंबर में, मतलब बेटी साइमा का? असल में पूरा नाम पता होता है तो सर्च करने में बड़ी आसानी होती है। सुनना अभी, खैरियत तो है? आज जिंदगी में पहली दफा मैंने नाश्ता बनाया और सुबह सुबह उठ के नेट पे साइमा को भी सर्च कर लिया। समझ गया ये बात मुझे। बस अपने भैया पे मुझे आज बहुत प्यार आया। मैं सोच रही थी कितना अच्छा वक्त गुजारा है दोनों बहन भाइयों ने। मशकूक लग रही है बहुत, बात क्या? मैं नहीं नहीं, असल में इंसान से गलतियां होती रहती हैं। भाई अगर तू साइमा से शादी करना चाहता था तो मैं करने देती, क्या हर्ज था इसमें? चल खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब तो मुझे अंदाजा हो गया ना कि मैं ही गलत थी। मगर मैं वादा करती हूँ कि साइमा को ढूंढ के निकालूंगी। असल में करीब की नजर का चश्मा टूट गया है और वो जो पिक्चर्स होती हैं वो इतनी छोटी छोटी होती हैं। मगर मैं वादा करती हूँ कि मैं कहीं से भी उस साइमा बदजात, मतलब साइमा बेटी को तेरे सामने लाके खड़ा कर दूंगी। अच्छा ये बता कि पूरा नाम क्या था उसका? कोई फायदा नहीं लुबना आपी, अब वो शादीशुदा है, दो बच्चों की माँ, और उसका शौहर पुलिस वाला है। कोई ऐसी हरकत मत करना जो तुम्हें भी पछताना पड़े और मुझे भी प्रॉब्लम। देख ले, मैं कहती थी ना, जो लड़की चेयर लिफ्ट में बैठ के चीख चीख के लड़कों को नंबर बांटे वो कैसी होगी? बहुत ही बेगैरत है भाई, शादी के बाद भी तुझसे कॉन्टेक्ट में है। सलाम ऐसी लड़कियों की बेगैरती को। लुबना आपी, मैं शादी नहीं करूंगा और दोबारा मेरे जज्बात से खेलने की कोशिश मत करना। खैर शादी तो मैं तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। कहाँ है नाश्ता? जा जाकर अपनी साइमा के साथ कर, दो नंबर के साथ बैठ के नाश्ता। हाँ नाश्ता। क्यों क्यों सारी दुनिया एक बेवा की शादी पे आग बगोला हो जाती है, ये नहीं समझ में आता मुझे। हाय, मैंने जगा दिया। चल सो जाओ, चल चल चल। बबली बबली, कल से ना मैं तेरे बालों में नारियल का तेल लगाऊंगी, रोज तेरे बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे। काशिफ से बात हुई? देख बबली, तू ना काशिफ का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, ये इसे छोड़ दे। गुड़िया तू खुद को देख, देख खुद को, क्या कमी है तुझ में? हाँ, और उसको देख। लल्लू पंजू। अच्छा सुन 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 सुन, नायला नहीं है, नायला मेरे पार्लर जो आती है, बता रही थी कि उसकी नजर में ना दो तीन बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा कमाते हैं, शक्ल सूरत के भी बेहतर हैं। कल ना वो उनकी पिक्स लेके आ रही है। हम्म, तुझे जो लड़का पसंद आएगा। मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ काशिफ से करूंगी। अगर तुमने मेरी शादी काशिफ से नहीं की तो या तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी या फिर कोर्ट मैरिज कर लूंगी। और वैसे भी मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी ही तरह जिद्दी हूँ मम्मी। तो फिर कर ले, मर उसके साथ कर ले यार मान पूरा। जब ये इश्क का भूत उतरेगा ना, जब भूखी मरेगी ना, जब इश्क का भूत उतर जाएगा, मेरे पास रोती नहीं ना। आपसे कोई मिलने आया बाहर? हाँ हाँ, कजन फूफो आई होंगी ना, कह रही थी एक आध दिन में ना चक्कर लगाती हूँ मैं तुझसे मिलने। सरगोधा गई हुई थी ना मेरी, ना बबली बबली पंजीरी लाई हूँ, खाएगी ना बबली? हाँ तिले लाती होगी। कोई गजन फूफी नहीं आई है, कोई आदमी आया है, कह रहे कि इशरत साहब से मिलना है, जरूरत रिश्ता के लिए राब्ता किया था। हाँ तो मैंने बुलाया, किया था मैंने राब्ता, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला है? पता नहीं सोसाइटी में लोगों को इतनी आग क्यों लगती है जब एक बेवा दूसरी शादी करने की कोशिश करती है। ओ दिल ले जा निकी जई, हाँ करके दिल ले जा निकी जई। ओ दिल ले जा निकी जई, माशाल्लाह आप हैं जी इशरत साहिबा, जो बेवा है तो मैं रिश्ते के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। हाँ हाँ, मैं इशरत हूँ, आपका नाम क्या? जी मैं जी बंदे को चौधरी असद कहते हैं, फ्रॉम कोटली लवारा वेस्ट। हाँ याद आया,
कोठरी वाले, हाँ मैंने रब्ता किया था। अब नाम तो माशाल्लाह बहुत ही मर्दाना है आपका, और शख्सियत तो माशाल्लाह। अरे यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना, अंदर आए। जी जी जी, लेडीज फर्स्ट। भाई बहुत ही गजब की चाय बनाती हैं आप, दिल चाहता है हाथ चूम लूं। वैसे आपकी आंखों में ऐसा कुछ है जैसे बंगाल का जादू। थैंक यू, आप तो खुद बहुत जाजिब नजर हैं। आपको पता है जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मैं बहुत देर तक सोचती रही, फिर मैंने कहा इरी लुबना, कोई आदमी इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। माशाल्लाह, नजर उतार लीजिएगा अपनी। टिशू की क्या जरूरत है, ये लीजिए मेरा दुपट्टा। पल्लू मौलवी साहब, आखिर ऐसी क्या बात याद आ गई जो आंख नम हुई आपकी। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ की, मुझे अजीब भी लगा और बहुत अच्छा भी। औरतें तारीफ करने के मामले में बहुत ही कंजूस होती हैं, लेकिन यकीन कीजिए मैं उन औरतों से बहुत हटके हूँ। एक आप है और एक वो। कौन, मेरी सौतन? नहीं, अपनी एहलिया की बात कर रहा था। दरअसल शादी को 15 साल हो गए, हराम है जो उस औरत ने मुझे एक भी दिन सुकून का दिया। मैं समझाता भी हूँ कि समीना देखो हर वक्त झगड़ा करने से घर में बेबरकती हो जाती है, लेकिन सुनती ही नहीं है। अब जिंदगी कैसे गुजार रहा हूँ मैं, बस मैं ही जानता हूँ। तो छोड़ दीजिए ना सर ऐसी औरत को जो आपकी कदर ही नहीं करती। आप तो वो इंसान है जिनके पैर धो धो कर भी पिए तो भी कम। मैं तो कहती हूँ तलाक दे दीजिए, क्यों अपनी जिंदगी को जहन्नम बना रहे हैं? आखिर आप में कोई कमी है क्या? छोड़ ही तो नहीं सकते ना लुबना, आप नहीं जानती हुकूमत पाकिस्तान ने औरतों को क्या क्या राइट्स दे दिए हैं। मेरे दोस्त महमूद ने भी अपनी बीवी को तलाक दी थी, वो धमकी देके गई थी कि तुझ पे केस करूंगी और तुझे रोडों पे ले आऊंगी, और वो ही हुआ। महमूद अपने बच्चों का और बीवी का पैसा हर महीने कोर्ट में जमा करवाता है, कहता है इस औरत ने कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी जेब खाली करा दी, कंगला हो गया बेचारा। बस इसी वजह से डरता हूँ, वरना कब का तलाक दे चुका होता। असल में खानदान खानदान की बात होती है। वालदा ने तो हमारी वैसे ही कह दिया था, देख लुबना जहाँ तेरी डोली जा रही है वहां से जनाजा ही निकलना चाहिए। शादी एक ही बार होती है, शौहर जैसा भी है निभा करना सीखो। बस भाई हमारी ट्रेनिंग तो यही की थी हमारे अम्मा अब्बा ने। और फिर तो बहुत ही कोई आला नस्ल का खानदान है आपकी वालदा का, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मौलवी कयामत साहब। अच्छा मैं ये कह रही थी कि अगर इस घर में शादी सिर्फ एक हो, यानी जैसे मेरी शादी हो, तो क्या ये घर जिनों से आजाद हो सकता है? 50,000 रुपए लगेंगे। मैं असल में वो शागिर्द हैं, मुरीद, उनके ही फीस देनी होती है, वरना मुझे पैसों की कोई खास जरूरत नहीं है। अब आपसे भड़के तो नहीं है ना? अरे कहाँ चलती, कोई बात बुरी लग गई तो पेश की माजरत। आज सुबह ही बैंक से पैसे निकलवाए थे, वो लेने जा रही। बस मौलवी साहब आप इशरत के लिए किसी तरह कोई वजीफा पढ़े कि ये अंधी गूंगी और बहरी हो जाए। बहुत बुरा किया इसने मेरे साथ, कभी फुर्सत से आएंगे तो एक एक बात बताऊंगी आपको। मैं 50,000 लेकर आती। सुनिए 50,000 तो दरअसल शागिर्दों की फीस है, अगर आप जैसा चाह रही हैं अंधा गूंगा बहरा करना तो उसके तो एक्स्ट्रा पैसे होंगे। दरअसल बात यह है कि चिल्ला काटना होगा अंधा गूंगा बहरा करने के लिए, वो भी किसी पहाड़ी इलाके में ऊंचाई पे बैठ के 21 दिन तक रोज, उसके 50,000 तो लगेंगे। मैं तैयार हूँ आपको 1,00,000 देने के लिए मौलवी साहब, पर मेरा काम आपको हर हाल में करना होगा मौलवी साहब, वादा करें। आपकी कसम, वादा, पक्का वादा। मैं से लेकर आती हूँ। सुनिए वापसी में एक प्याली चाय भी ले आइएगा। एक क्यों, दो लेकर आती हूँ ना, मैं भी पीऊंगी आपके साथ। क्या हुआ, कुछ बुरा लगा आपको? जमाने बाद मुस्कुराई हूँ ना तो रोना सा आ गया। मैं आती हूँ चाय। और 1,00,000 भी।
हेलो हाँ अभी क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि वो तुम्हें चाहिए ना, वो सोने की तुमने क्या देखी थी, वो है कितने कैरेट थे वो? बस वो आज ले, आज ही लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ। चलो ओके ओके, खुदा। चाय कैसी है? बिल्कुल आप जैसी, ना ज्यादा फिक्की ना ज्यादा मीठी, क्यूट सी। अरे मुझे तो वो लेडीज हमेशा से बहुत पसंद है जो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैं तो उनको लेडीज ही नहीं मानता जो खाने बनाने के चक्कर में ना पोहड़ हो। और मेरे लिए तो वो जनानियां है ही नहीं, होते लम्हे वाला वाले भाई ने बस। खाना क्या खाने बनाती हूँ मैं? अरे आपकी कोई सोच है? मेरे शौहर ऐसे ही नहीं आशिक थे मेरे, आप तो उंगलियां चाट जाएंगे मेरे खाना खा के। हाँ रोज मेरे शौहर ना नए नए खानों की फरमाइशें करते थे, मैं बनाती थी। कहते थे आशु पता नहीं मैंने मैंने कौन सी नेकी की है कि मुझे तुम जैसी औरत मिल गई है। बस बस बहुत जल्दी चले गए। कहते थे तुम्हारा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मुझे ही छोड़ के चले गए। बस जी अल्लाह की मसलतें हैं, अल्लाह ही जाने। मेरी बेगम भी ना बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे, बड़ा ख्याल रखती थी मेरा। बस फिर एक दिन अचानक ही खैर चढ़ी अच्छा ही हो गया। लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ खाने मेरे जैसे नहीं बना सकती होगी वो। बिल्कुल सोला ने सच बात किया जी आपने, खाने तो ऐसे जहर बनाती थी ना वो। आप सरकारी अस्पताल तो गई होंगी, जनरल वार्ड में भी गई होंगी, वहाँ पे जो पीली दाल मिलती है ना वो उससे ज़्यादा टेस्टी थी। बहुत ही जहर, बहुत झगड़े हुए हमारे उससे, बहुत झगड़े हुए। पर वो कोई टीट मिट्टी थी ना, नहीं सुना उसने भी। चौधरी साहब, चौधरी साहब ये बस सारी बात ना ट्रेनिंग की होती है। मेरी माँ ने ना पांचवी जमात में ही ना मुझे बस बॉर्चे खाने में धकेल दिया, कहने लगी सीखो ये चूल्हा चौकी सीखो। बस यही उम्र होती है लड़कियों की ना सीखने की। बिल्कुल आपको देख के माशाल्लाह लगता भी है कि आपने अरसा गुजारा है किचन में। मैं ना किसी दिन आपको नरगिसी कोफ्ते खिलाऊंगी। बस जी आप जो ना अब मेरी जान ही ले रहेंगी, नरगिसी कोफ्ते ना जी मेरी कमजोरी है। नरगिसी कोफ्तों के साथ ना मैं आपके लिए चने के चावल भी बनाऊंगी। उन्हीं चावलों पे जहर मिला के खिला देना और मार देना, बताना जैसे पहले शौहर को मारा है तूने। ये कौन जी जहर जहर मिलाती है आप खानों में? चौधरी साहब, चौधरी साहब आप आपा की बातों का बिल्कुल सीरियसली मत लीजिएगा, मत लीजिएगा। असल में ये मेरी सौकन है। वो लोग कहते हैं कि एक दिन ना मेरे शौहर वो बशीर साहब नींद में से उठे वो लेटरिन जाने के लिए ना, तो इन्हें नहीं पाया बिस्तर में, तो ढूंढने लग गए, बाहर निकल गए बरामदे में, आवाज थी नहीं नजर आई, थोड़े ना थोड़े आगे चले गए, सामने मेज थी, मेज के साथ एक बड़ा सा सोफा था, वहां पे मूंछों वाला आदमी यूं यूं करके लेटा हुआ था, और ये उनको अंगूर का इतना बड़ा गुच्छा खिला रही थी। बस बशीर साहब को आ गया गुस्सा, थे बड़े गर्म मिजाज के ना आप जैसे, अंदर चले गए, बंदूक लेके आ गए। मूंछों वाले साहब तो बस भाग गए थे, रह गई ये। फिर जो शौहर बीवी में झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, इसी हाथापाई में मेरे शौहर से गलती से इन्हें धक्का दे दिया, इनका सर लग गया दीवार के साथ, और बस उसके बाद दिमागी तवाजन आप समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहे हैं आप। बस मुबशर साहब ने मुझे बहुत कहा जब हमारी शादी हुई कि आशु आशु तुम इसको भेज दो पागलखाने, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है इसके साथ रहना, तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कहा मुबशर साहब अल्लाह मालिक है, वही देख लेगा।
बहुत खिदमत की है मैंने इनकी, बहुत खिदमत की है मैंने इनकी। मेरे शौहर तो मरते मरते भी ना ये कहते कहे कि इशरत ये एक आम औरत का काम नहीं है। वाह आप ना जी बहुत ही कोई अजीम औरत है, कहाँ ऐसी औरतें मुझे नहीं दिखती आजकल, नहीं दिखती जी, नहीं दिखती। नहीं दिखती आपको? आंखें खोल के देखें। तो जी आपकी तो आंखें बोलती हैं। क्या बोलती हैं? है है के चौधरी असद तुम्हारी तलाश मुकम्मल हो गई है, नरगजी कोफ्ते खिलाने वाली आ गई है। ये अच्छा नहीं कर रही। हाँ क्या सोच के गए होंगे चौधरी असद साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मत पड़ो इन चक्करों में, मौलवी कयामत का फोन आया था। अच्छा ओ शादी का पूछ रहे होंगे। हाँ लेकिन देखिए ये इतनी जल्दी थोड़ी हो सकता है, आखिर सारी जिंदगी का मामला है। वैसे मुझे चौधरी असद अच्छे लगे, पहली बीवी मर चुकी है उनकी, अपना एक बड़ा सा घर है, दो प्लॉट भी हैं। कह रहे थे कि नई बीवी के नाम कर दूंगा। वैसे मैं आपको ये सब क्यों सुना रही हूँ? हाँ कल आप मुझे इतना जलील करके गई हैं और अभी आप बुत बन के क्यों बैठी हैं? बोले सर मैं मौलवी साहब ने काफी बातें बताई हैं, वही सोच रही हूँ, मामला बहुत पेचीदा है। देखें 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 ये डराने वाली बातें मुझसे ना करें। वैसे इस घर में अकेले रह के ना बहुत डर लगने लग गया है, अब तो रात को ना मैं अपने कमरे की खिड़की भी बंद करके सोती हूँ। मस्जिद का रास्ता भी बंद हो गया है, पहले नमाजी गुजरते थे वहाँ से, रौनक मेला लगा होता था। खैर बताएं मौलवी साहब क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगर इशरत ने शादी की तो उसका शौहर शादी के एन दो दिन के बाद इशरत को मार के उसकी लाश घर के पिछवाड़े दफना देगा। और भी बहुत कुछ बता रहे थे मगर भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या ये कह रहे थे? लेकिन उस दिन तो मौलवी साहब कह रहे थे कि अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो बहुत बुरा होगा। ये लुबना मुझे लग रहा है ना कि इसमें आपकी फिर से कोई नई चाल है, आप नहीं चाहती ना, आप खौफजदा हैं, खौफजदा है मेरी शादी होने से। मैं क्यों होने लगी खौफजदा? हैं मेरा बस चलता तो तुझे बहुत पहले भी आके इस घर से दफा कर देती। दफा तो आप कर नहीं सकती मुझे इस घर से। क्यों 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 नहीं कर सकती? मेरे पास ना वसीयत नामे की कॉपी है, पता है ना उसमें क्या लिखा है? मुझे क्या पता क्या लिखा हुआ है, मैंने तो मुबशर के मरने के बाद कभी उनके किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाया। खैर अगर आप इतनी ना वाकिफ है तो मैं आपको बता ही देती हूँ, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि इशरत को दूसरी शादी करने की पूरी इजाजत है। अगर इशरत शादी करती है तो वो लुबना को अपने घर से अलग कर सकती है, और अगर लुबना ने कोई अड़ी तड़ी करने की कोशिश की ना तो वकील इशरत का पूरा साथ देंगे, नीचे दोनों के दस्तखत हैं। पहली बीवी होती है इशरत, तुझे शक्ल से मैं इतनी घामड़ लगती हूँ जो ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाने दूंगी? एहसान मान मेरा कि मैंने अब तक तुझे इस घर में रखा हुआ है, तू लाख सर से सीना पटक ले मगर तेरे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। शराबें पिला पिला कर तूने निकाह भी किया और मरते हुए शौहर से अपनी पसंद की वसीयत भी लिखवा ली, मगर ये भूल गई कि तूने खुद को कितने बड़े धोखे में रखा हुआ है आजकल। धोखा? कौन सा धोखा? अरे कौन सा मकान कौन सी वसीयत, मुबशर के वालदैन लुटपिट के जब यहाँ आए थे तो इसी मकान पे कब्जा किया हुआ था, कोई कागजात नहीं है इस घर के, कोई नहीं बेच सकता इसे, ना तू ना मैं। तेरी शराब और तेरी वो चरसन माँ किसी काम ना आ सके भाई, बड़ी बड़ी बातें करते थे मिलके। हाँ
मेरे मामू के बेटे ना ये कोर्ट कचहरी के मामला बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनसे पता कर लूंगी। वैसे मुझे इस सब मामले में आपका मकसद समझ में नहीं आ रहा लुबना। अब देखें लुबना, जब मौलवी साहब ने हम दोनों के अंदर की औरत को जगा ही दिया है ना, तो हम क्यों ना उसे जिंदा रखें। हाँ देखें, आप भी शादी कर ले, मैं भी शादी कर लेती हूँ, दोनों सुकून से रहेंगी। घिन आ रही है मुझे तेरे मुंह से ऐसी मुनाफिकाना बातें सुनकर। तेरी शादी तो मैं कभी नहीं होने दूंगी बच्चू, तू हमेशा शौहर को तरसेगी। तूने मेरा शौहर छीना था ना, अब तू शौहर को तरसेगी। अब देख ये नागन क्या करती है, तेरी लड़की को साथ में मिलाऊंगी, फिर देखना क्या हंगामा बर्पा होता है। क्यों हिम्मत नहीं होती काशिफ से बात करने की, जा जाके बता अपनी बेटी को। किस मुंह से बताएगी कि तेरी लड़की जिससे प्यार करती है उसके अब्बा से तेरा आंख मटक का था, और तू उसके बाप के घर से चोरी करती हुई पकड़ी भी गई थी रंगे हाथों, और पुलिस भी आई थी, है ना? किसने बताई ये सारी बातें? तूने खुद ही तो बताई थी, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने काशिफ के अब्बा से तस्दीक भी की थी। खुदा के लिए लुबना ऐसा मत करना, बब्ली क्या सोचेगी अपनी माँ के बारे में। लुबना मैंने कब बताई ये सारी बातें? पिछली दफा जो तेरी माँ आई थी ना हैदराबाद से, अरे शराब की बोतल छुपाई हुई थी कपड़ों की थैली में, मुझे शक हुआ, मैंने पूछा इसमें क्या है, कहने लगी मैले कपड़े हैं। मुझे वैसे शक हो जाता है, रात को तू और तेरी माँ कुंडी लगा के ये शराब के गिलास पे गिलास जो चढ़ाए जा रहे थे, मगर तुम दोनों ये भूल गए इस दरवाजे की कुंडी तो टूटी हुई है। एक एक वाकया मैंने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया हुआ है, कहे तो सुना दूं? हाँ सुना दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी। ये लो सुनो। तो क्या सोचेगी वो, कहाँ चली? चक्कर आ रहे मुझे, मुझे ग्लूकोज पिला दे, कोई मुझे ग्लूकोज पिला दे। हाँ मुझे चक्करों में डाला था ना, अब खुद चक्कर आ गई, जाओ। जी आप? जी मेरा नाम इशरत है, आप कौन? मैं असलम राजपूत भाई। अस्सलाम वालेकुम असलम राजपूत भाई, बोलिए। जी मैं वो जरूरत रिश्ता के सिलसिले में आपसे बात हुई थी ना, माशाल्लाह से आप तो बहुत फिट है। हाँ वो ना मैं अपना बहुत ख्याल। क्या अबे पागल तो नहीं हो गया तू? हाँ क्या समझा है, शरीफों का घर है ये, चल निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाओ ना। निकल यहाँ से, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाओ और तुझे अपनी माँ को दवा नहीं खिलाओ। अरे मेरी इश्यू को दौरा पड़ गया, जा उसको अंदर लेके जा, दवा वक्त पे खिलाएगा। अरे इश्यू बताऊं, चल चलो इश्यू को लेके जाओ, चलो चलो अंदर ले जाके लिटा देना आराम से। शुक्र में आ गई मेरी इश्यू बच गई। जी आप कौन, किस सिलसिले में आए? जरूरत रिश्ते के सिलसिले में आया था। गेट पे खड़े होकर तो रिश्ते नहीं बनते ना, अंदर आए चाय पिए बिस्कुट खाएं फिर होगी बात। ये बच्ची किसकी उठा के ले आए आप? जी उठा के नहीं लेकर आया हूँ, ये मेरी अपनी बच्ची है, इसकी माँ भाग गई है ना, भागी भी मेरे अजीज तरीन दोस्त के साथ है। इंसान किस पे एतबार करे किस पे एतबार नहीं करे, ये शक तो काफी दिनों से था। मैंने पूछा कि बीना क्या चक्कर है, कह लगी नहीं नहीं ये तो मेरे भाई की तरह है, आप कसम ले ले। मैं चुप हो गया। एक रात को पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे चाय में ये खाने में क्या चीज खिलाई और मैं सोता रहा, सुबह उठा देखा तो ये सिलसिला हुआ। अब क्या करे, इंसान कुछ नहीं कर सकता, किसी पे एतबार कर ही नहीं सकता। अब इस बच्ची का कोई भी नहीं है। और आपका? आप है ना, बहुत ही बेशरम है आप, क्या चाय नहीं पीनी मेरे हाथ की? आपको चाय भी पीऊंगा और टोस्ट मक्खन के साथ भी खाऊंगा। सो बिस्मिल्लाह, आइए अंदर तो आइए।
ए! हमें इंश्योरेंस नहीं लेनी, निकल यहाँ से, निकलो, चलो चलो निकलो। पूरा घर ही पागल है, वो भी पागल, इससे बड़ी पागल, तू भी पागल, चल निकल। आए बड़ा वहां से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, नीचे देखो औंधे मुंह गिरोगे। चलो खुदा का शुक्र है कि इन पागलों से मेरी जान छूट गई। मार्केट में मेरे भैया मैं तो मुसीबत में बहुत। मम्मी सब खैरियत तो है ना, किसके जनाजे पे जा रही हो? वैसे आजकल ड्रामों में भी ना अजीब सा रिवाज आ गया, जब देखो सफेद कपड़े पहना के डेथ के सीन में बिठा देते हैं, कितना फेक लगता है। बबली बोली तूने मेरी तस्बी देखी है? तस्बी? तुम्हारी तस्बी? सब खैरियत तो है ना, या फिर कोई नया ड्रामा करने का प्लान है? बबली ये फालतू बातें मत कर, अभी मेरे साथ भी तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह जाने कहाँ तस्वीर रखती, मैंने रात को यही रखी थी। तुम्हारी बातें ना मेरी समझ से बाहर है। वैसे आज शाम को काशिफ आ रहा है अपने माँ बाप को लेके, तैयार रहना। देख देख बबली, इस तरह की खौफनाक बातें मत किया कर मेरे साथ, तुझे पता है ना कितना नाजुक दिल है मेरा। हाँ हाँ बड़ा नाजुक है तुम्हारा दिल। वो तस्वीर, तस्वीर का तो बता दे। ये ले भाई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अच्छी लग रही है, आज पता चला कि बेवा का असल रूप क्या होता है, पहले जैसी मक्कार नहीं लग रही तू। अब सही कह रही है, दीन से दूरी की वजह से ना मैं अपने अल्लाह से दूर हो गई थी। हे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा कर। बबली कहाँ है, क्या कह रही थी? मैं तस्बीह ढूंढ रही थी। बस यही कहा और कुछ नहीं कहा उसने? बुलाऊं पूछूं से? बबली वो काशिफ है ना, वो शाम को ना अपने अम्मा पापा को लेके आ रहा है घर पे। और ये कैसी लगेगी हाथ में बोतल नाचते हुए? क्या बात कर रही हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं आप? तौबा कीजिए ना, कैसी बातें कर रही हैं आप? तौबा नाच के दिखा। मुझे मुझे देर हो रही है, मुझे तस्वीर पढ़नी है। अरे नाच के दिखा। मुझे मुझे नाचना नहीं आता। नचाना खूब आता है ना, चल नाच। याद है मुझे, तू और तेरी वो चरसन माँ पेटीकोट ब्लाउज में गर्मियों की दोपहरों में, सब मुझे याद है। चल नाच के दिखा मुझे। लुबना आप ही कहती थी ना, आप ही कहती थी ना, जो बीत गया वो बीत गया, वो बीत गया। अब ना अल्लाह ने मुझे सही राह दिखा दी है, मैं अभी से राह रास्ते चलूंगी बस। अरे नाच। नहीं बबली, लख नखरे दिखा, सर झुकाना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा। पहले पहल आराम करोगी, कोई ना घर का काम करो, फिर बदलेगा रंग तुम्हारा, हम देखेंगे ढंग तुम्हारा। हो तुम्हें सुबह शाम चूल्हा जलाना पड़ेगा तुम। जी जी वैसे तो मोटे मर्द मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर कोई मोटा हो बट पेट बाहर ना हो फिर मैं सोच सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। इंतजार करूंगी। अच्छा सुनिए, आते हुए ना फालसे और जामन लेते आइएगा, और अगर हो सके तो पठान के खोके की दूधपत्ती चाय भी लेते आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगी। तूने तो मुझे डरा दिया, मैं अभी अपनी सहेली से कह रही थी, मेरे भैया जैसे पराठे तो कोई बना ही नहीं सकता। किससे बातें कर रही थी? किससे? अभी जिससे फोन पर बात कर रही थी। जी जिससे फाल से जामन और चाय मंगवा रही थी। वो है, तेरे अचानक सवालात मुझे बौखला देते हैं बिल्कुल।
जूस लेकर आती हूँ, दोनों बहन भाई मिलके पियेंगे, बड़ा मजा आएगा। मुझे ये बताओ किससे मंगाएं फाल से जामुन और चाय? अरे वो सलीम दानिश, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, तेरी और उनकी तो खूब जमेगी। कह रहे थे वली रईस के लिए फैसलाबाद से शलवार कमीज का कॉटन का कपड़ा लेकर आएंगे। मैंने कह दिया सलीम दानिश साहब कोई अच्छा रंग लाइएगा, मेरे भाई के तो रंगों के मामले में बड़े नखरे। इसका मतलब तुम शादी कर रही हो, अभी इतनी भाग दौड़ हो रही है? नहीं नहीं पागल, अभी कहाँ, अभी सोचूंगी। चल बाजी, तू कोई फैसला नहीं करूंगी ना, और सच बताऊं अगर कभी की भी ना तो पहली शर्त ये रखूंगी कि मेरे भैया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काश उसने तुम्हारी बात ना मानी, काश तुम्हारी बात को रद्द कर देता मैं उस वक्त, तो आज साइमा और मेरे दो बच्चे होते, हमारी फैमिली कंप्लीट होती। पर बात कर दी तुमने मेरी जिंदगी। कसम ले ले, आज भी मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया साइमा का नाम लिख के, मगर वो मिली नहीं। पूरा नाम बता देते तो मिल जाती। अरे हाँ, तूने बताया था ना कि शादी हो गई उसकी किसी पुलिस वाले से। वैसे बुरा नहीं मानना, बहुत ही कोई बेवफा लड़की थी भाई, इंतजार कर लेती। मगर नहीं, मोटी असामी को देख के सारी मोहब्बतों को साइड कर दिया उन्होंने। कहाँ जा रहे हो? दरवाजे पे ताला लगा ताकि तुम ना बाहर जा सको ना कोई अंदर आ सके। जी जी जी, इतनी ऊंची, इतनी ऊंची दीवारें बनने की क्या जरूरत थी? नहीं, पहले दीवारें नीची थी, लोग आके झांकते थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि दीवारों को ऊंचा करवा दिया जाए। चोट डाकू भी तो होते ही ना, चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं, आपके लिए छोटी मोटी चोट वहाँ क्या है, हम तो जान देने को राजी हैं, आजमा के देख लीजिए। बड़ी रोमांटिक है आप। वैसे मुझे ना पर्सनली रोमांटिक मर्द बहुत पसंद है, बहुत खूब जमेगी हमारी। ये बात तो मैं फोन पे बात करते समझ गया था कि आप और मेरी खूब जमेगी। ऐसा मैं लोग पहचानने में बहुत जबरदस्त हूँ मैं। I'm so good. और एक और बात। कैसी बात? Okay, आपने मुझसे मजाक किया था ना कि आप 43 की हैं। मैं तो मैं क्या तो 31 से एक दिन ऊपर लगती हैं आप। बिल्कुल सही कहा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये बात मैं हल्का कह सकता हूँ, बिकॉज़ सलीम दानिश को अंदाजे लगाने में कोई मात नहीं दे सकता, यू नो सलीम दानिश। इंटेलिजेंट लोगों की निशानी भी तो यही होती है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ओह, मुझे भी। चलिए। हाँ जी जी, बिल्कुल, आफ्टर यू। ओके। अरे इशरत, चाय तो लेकर आ, जरा आ रही है। हम जब भी अच्छा मौसम होता है ना, मैं तो उसको कह देती हूँ पकौड़े बना ले, वो पकौड़े बना लेती है। नौकरानी है मेरी, बेचारी इधर उधर भीख मांग के फिर रही थी रोड पर, तो मुझे तरस आ गया, मैं फिर इसे घर ले आई। इसे भी छत मिल गई, मेरे भी छोटे छोटे काम कर देती है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत नेक है आप। असल में नेकी के कामों में ना मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा। बोल सी नहीं चला। चाय पीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा वैसे मैं सोच रहा था कि शादी के बारे में क्या ख्याल है मेरा? अच्छा होता है जिंदगी में कोई साथी हो, कोई बात करने वाला हो, कोई पार्टनर हो, ये तो अच्छी बात है। आपके मेरे ख्याल कितने मिलते हैं। आपने क्यों नहीं शादी अभी तक? वो कहते ना कि वो जोड़े आसमान पे बनते हैं, और फिर आप भी बहुत देर से मिली। लेकिन अब तो मिल गई है, तो मिल गई। ऐसे थोड़ी, अभी तुम्हें देखूंगी, जानूंगी, परखूंगी, फिर हाँ करूंगी। नहीं तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप देखें, परखें, फिर हाँ कर दें।
लेकिन जब तक आप हानि करेंगी मैं आपकी घर आता रहूंगा खाना खाने। बहुत चटर रहा हूँ मैं खाना खाने के मामले में। सौ बिस्मिल्लाह, मुझे इतनी खुशी होगी आपके लिए कोफ्ते बनाने में। कोफ्ते? इतनी औरतों से मिला लेकिन लगता है आपसे मिलने के बाद मेरी तलाश खत्म हो गई। लेकिन एक दरख्वास्त है कि आप पीछे ही नहीं हटेंगी, ऐसा ना हो कि आपका छोटा सा इनकार किसी की जान ले ले। नहीं नहीं मेरी आपके नहीं। नादरा, तुम नादरा। आप कौन? तुमने तो मुझे कहा था कि मैं 10 नंबर जा रहा हूँ लालू खेत। बड़ी अच्छी मंडी लगी है, ये है तुम्हारी मंडी और ये है तुम्हारा कट्टा। ए जरा तमीज से बात करो, समझी? ए चुप कर, तुझसे नहीं बात कर रही हूँ पागल, अपने शौहर से बात कर रही हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है 6 बच्चों के बाप होते हुए यहाँ बैठ के ये हरकतें कर रहे हो? बुलाओ अपने भाइयों को। हाँ बुलाओ बुलाओ भाइयों को, डरता नहीं भाइयों से मैं। और बकवास नहीं करना, बदतमीजी नहीं करना, वरना दे दूंगा तलाक, खड़े खड़े बता रहा हूँ। अच्छा तलाक दे देगा मुझे? हाँ दे तलाक, अभी दे, मरता बच्चा ना, अभी तलाक दे मुझे। और हाँ एक बात सुन ले, पाकिस्तानी हुकूमत ने ना औरतों के बहुत राइट्स निकाल दिए, ऐसा केस बनाऊंगी ना तू रोड पे ना आ गया ना तो मेरा नाम नादरा से बदल देना। गए वो जमाने जब तुम जैसे मर्द औरतों को तलाक के नाम पे डराया करते थे, ऐसा केस बनाऊंगी ना सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। अरे अच्छा और ओ आंटी बेवा हो, शर्म नहीं आती हरकतें करते हुए? 6 बच्चों के बाप के साथ लगी हो, बहुत आग लगी हुई है। और तू घर चल रहा है, यहीं पे तलाक देके किससे बात करेगा? नहीं नहीं मैं नादरा मैं बेबी घर आ रहा हूँ ना, मुझे यो भी याद है कि बच्चे के पैंपर्ट लेके आने हैं, उसका छोटी का दूध है वो तो याद है मुझे, अभी लेकर आता हूँ, तुम बस तुम चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, चलो। शर्म करो। चुप ना चल। अजीब मैं बताऊं ये बहुत ही घटिया औरत है, बहुत ही बदतमीज औरत है ये, बैठे ना। हाय अल्लाह, मेरा दिल करता है मैं कुछ मीठा हो जाए, है ना? चाय तो पी नहीं। But then on the one in the pictures has become the first studio version to the 3 movies market with the ladies and the dog. कहा था ना जब मेरी नहीं तो आपकी भी नहीं। तेरी याद है तन्हाई है जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है दिल वीरान। दूल्हा वाले आए हार फूल लाए दुल्हन बनाने को अरमा सजाने। The Hoga Award presentation, actually, by the word.